Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. I am Ankit. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी मैनस्केपिंग मिस्टेक्स जो कि हम लोग पता नहीं कब से करते आ रहे हैं और कब तक करते रहेंगे, बट नॉट आफ्टर दिस वीडियो, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा और उनके सोल्यूशन भी बताऊंगा रिलेटेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, जैसे कि चेस्ट, प्यूब्स, बैक, लेग्स, हैंड्स, एवरीवेयर. तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. कंसीडर सब्सक्राइबिंग, लाइक दिस वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोगों को होती है वो होती है बॉल्स के पास या फिर जो प्राइवेट पार्ट का एरिया होता है या फिर प्यूब्स का जो एरिया होता है, उसके बाल हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और हमें बहुत ज्यादा केयरफुल भी रहना चाहिए क्योंकि छोटी सी भी मिस्टेक्स बहुत बड़ी हो सकती है. सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रेजर से कभी भी बॉल्स के बाल को क्लीन मत करिए या फिर प्राइवेट पार्ट के एरिया को क्लीन मत करिए, बहुत ज्यादा रिस्की है. व्हाट यू नीड टू डू इज आपको कोई ट्रिमर लेना है, 2 या 3 नंबर पे उसको सेट करिए, उसके बाद जितने भी आसपास के बाल है आप उसको हटा दीजिए आपको जितने पसंद है उसके अकॉर्डिंग, एंड यू आर गुड टू गो. पूरे बाल साफ करने की जरूरत नहीं है, थोड़े से बाल बिल्कुल खराब नहीं लगते हैं. पूरे बाल हटाने के चक्कर में अगर आपने रेजर यूज किया और हल्का सा भी कट लग गया तो आपका वंश खतरे में आ सकता है. बहुत सारे लड़कों के तो बट पे भी बाल होते हैं एंड वो थोड़े से ऑकवर्ड लगते हैं. अगर आपके भी बट पे बहुत ज्यादा बाल हैं और आप सोच रहे हैं कि आप उसको कैसे हटाएं, तो कभी भी आपको शेविंग नहीं करनी है क्योंकि जब आप बट शेव करेंगे और जब नए हेयर फॉलिकल्स आएंगे तो वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो सकते हैं आपके लिए. आपको बैठने में प्रॉब्लम हो सकती है, चलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, दैट विल लुक रियली ऑकवर्ड. मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी हेयर रिमूवल क्रीम ले सकते हैं. मैं अधिकतर वीट यूज करता हूँ, जरूरी नहीं है कि आप वीट यूज करें, जो भी आपको सही लगे आपके बजट के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं, डू द जॉब. और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रिमिंग भी मत करिए क्योंकि ट्रिमिंग और रेजर सेम इफेक्ट देंगे. शेविंग या फिर ट्रिमिंग करने के बाद हमें कई कई बार छोटे छोटे दाने हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा इचिंग हो जाती है जो कि बहुत ख़राब दिखती है. तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल हैक बताता हूँ. जब कभी भी आप शेविंग कर रहे हैं, चाहे वो चेस्ट पे हो, बैक पे हो या किसी भी बॉडी पार्ट पे हो, आपको शेविंग करने के बाद एक्सफोलिएट ज़रूर करना चाहिए. एक्सफोलिएशन से जितने भी हेयर फॉलिकल्स रह जाते हैं वो सारे के सारे निकल जाएंगे, आपके पोर्स ओपन अप हो जाएंगे और जो पिंपल्स या फिर इचिंग की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी. अंडर आर्म्स के बाल भी बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगते हैं, बहुत सारे लोग उनको हटाते नहीं है, पता नहीं क्यों. ना हटाने से पसीना बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, बदबू की बहुत प्रॉब्लम होती है. बट अंडर आर्म्स के बाल साफ करने के लिए आपको कभी भी शेविंग नहीं करनी है, ना ही आपको वैक्सिंग करनी है, आपको हमेशा ट्रिमर यूज करना है क्योंकि जो रेजर होता है वो बहुत डीप तक बाल हटाता है और बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा जब नए फॉलिकल्स आएंगे. आपके हाथ हमेशा ऐसे रहेंगे, सीधे नहीं होंगे. अंडर आर्म्स का जो एरिया होता है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज्यादा नाजुक होता है. अगर आप रेगुलरली वैक्सिंग यूज करेंगे तो वो आपके अंडर आर्म्स को काला भी कर सकता है जो कि बहुत ज्यादा खराब दिखेगा. तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ट्रिमर यूज करना चाहिए. बहुत सारे लोग पैरों के बाल को ट्रिम नहीं करते हैं, दैट इज फाइन. बट अगर आपके बाल बहुत ज्यादा है या ग्रोथ बहुत ज्यादा है और अगर आप शॉर्ट्स पहन लेते हैं या फिर बॉक्सर्स पहनते हैं तो बहुत खराब दिखता है. मैं एक्चुअली बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जिनके पैरों पे एटलीस्ट इतने बाल होते हैं कि वो चोटी कर सकते हैं, बट Still they don't get rid of them. पूरे बाल हटाने के लिए मैंने कभी भी सजेस्ट नहीं किया है, मैं खुद प्रेफर नहीं करता हूँ. What I do is कि मैं ट्रिमर लेता हूँ, 2 या 3 नंबर पे उसको सेट करता हूँ जितनी भी मुझे लेंथ चाहिए और उसके अकॉर्डिंग मैं बाल साफ कर लेता हूँ. पैरों में बाल रहते भी हैं बट इतने ज़्यादा नहीं रहते हैं कि वो देखने में ऑड लगे. ड्राई शेविंग कभी भी नहीं करनी चाहिए. बहुत सारे लोग बियर्ड को शेप देने के लिए सोचते हैं कि क्यों हम फोम यूज करें, क्यों हम इतने पार्ट को वेट करें. ड्राई शेविंग करने से जो आपके हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो बहुत गंदी तरह से बाहर आ जाते हैं, कई कई बार वो आधे में अटक जाते हैं और आपको पिंपल या फिर बाल तोड़ जिसको बोलते हैं वो प्रॉब्लम भी हो सकती है. सो नेवर एवर डू ड्राई शेविंग. अगर आपको शेप देनी है तो आप इतने पार्ट को गीला कर लीजिए एंड देन डू इट, अदरवाइज ट्रिमर इज द बेस्ट. शोल्डर्स और बैक के हेयर भी बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगते हैं. मेरे थोड़े बहुत बाल शोल्डर्स में आते हैं और बैक में भी आते हैं. मैं कभी भी वहां पे शेविंग तो नहीं करता हूँ क्योंकि शेविंग बहुत ऑकवर्ड कर देती है. तो मैं शोल्डर और बैक के लिए आपको प्रेफर करूंगा कि आप वैक्स यूज कर सकते हैं या फिर हेयर रिमूवल क्रीम यूज कर सकते हैं या फिर अगर आपका बजट बहुत ज्यादा अच्छा है तो आप लेजर टेक्निक भी यूज कर सकते हैं. मैं बहुत जल्दी ही अपने बैक के बाल हटवाने के लिए लेजर यूज करने वाला हूँ, मैं आपके साथ रिजल्ट जरूर शेयर करूंगा. फॉर शोल्डर्स एंड बैक नेवर एवर यूज रेजर और ट्रिमर, वैक्सिंग और लेजर. गाइस ये थी कुछ ऐसी
स्पेशली मैनस्केपिंग मिस्टेक्स जो कि हम लोग अक्सर करते हैं और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन पैदा कर देता है। बट आई थिंक कि ये जो मिस्टेक्स मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, इसके बाद आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी एंड ये आपके लिए यूजफुल होंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हियर इज माय हैंडल एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।